बात करते हैं बिलासपुर की, जहां पर ट्रैफिक पुलिस ने सड़कों में आवारा घूमने वाले जानवरों को दुर्घटना से बचाने के लिए एक अनूठी मुहिम शुरू की है, जिसके तहत सड़कों पर बैठे मवेशियों के सींग पर रेडियम लगाए जा रहे हैं, ताकि सड़क पर बैठे झुंड आसानी से वाहन चालकों को नजर आ जाए और हादसों को रोका जा सके। ये यातायात पुलिस की ये पहल अनूठी और व्यवहारिक जरूर है और इससे हादसों में कमी भी आएगी, लेकिन क्या सड़क पर आवारा मवेशियों को हटाने में नाकामयाब नगर निगम, नगर पालिका और जिला प्रशासन की नाकामी को कैसे छुपाया जा सकता है? हालांकि अपने स्तर पर हादसों को रोकने के लिए किया जा रहा यातायात पुलिस का ये उपाय सराहनीय जरूर है। बरसात के कारण मैंने खुद ही रात में और सभी क्षेत्र पे, यानी कि जिधर मवेशियों की संख्या वास्तव में काफी बढ़ गई है, कल हाईकोर्ट रोड में दोनों तरफ कुछ नहीं तो यानी कि करीब 50-100 मवेशी बैठे रहे होंगे झुंड बना के। ये कार्रवाई जहाँ तक हाईकोर्ट के निर्देशानुसार यानी कि अपने PWD और इनको करना है, हम भी यातायात की तरफ से बिल्कुल उनको यानी सही। आप देख सकते हैं कि यातायात पुलिस की एक अनोखी पहल नजर आ रही है, जिसमें गायों के सींग पर रेडियम लगाया जा रहा है ताकि दुर्घटनाओं को रोक सके। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार नगर निगम, नगर पालिका और जिला प्रशासन आखिर कर क्या रहा है, क्योंकि जिस तरह ट्रैफिक पुलिस ने तो अपना जिम्मेदारी निभा ली, लेकिन इनको वहां से हटाने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। बहरहाल आप देख रहे हैं कि रेडियम पट्टी लगाकर हादसे रोकने की एक कवायद यकीनन एक अच्छी पहल है, लेकिन यदि सड़कों पर इसी तरह गाय और अन्य मवेशी जो हैं वो अगर बैठे रहेंगे तो इससे हादसे को न्योता दिया जाता है। लेकिन यदि इनकी देखरेख, इनकी देखभाल की जाए और इनको सड़कों पर से हटाकर इन्हें व्यवस्थित गौशालाओं में पहुंचाया जाए तो इन हादसों को काफी बड़ी मात्रा में रोका जा सकता है और इसमें जो गाय हैं उनकी जान तो बचेगी ही, साथ में जो राहगीर हैं जो वाहन चलाते हैं उनकी भी जान बच सकती है। आप देख सकते हैं कि उनके सींगों पर रेडियम लगाया जा रहा है और रेडियम की क्वालिटी देख के लग रहा है कि काफी अच्छी गुणवत्ता का रेडियम लगाया जा रहा है, जिससे कि काफी अंधेरे में भी ये साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। यातायात पुलिस ने हादसों को रोकने के लिए एक नई कवायद शुरू की है, और यानी कि वाहन चालकों को दूर से ही नजर आएगा कि सामने कोई मवेशी है और ये रेडियम की पट्टी इन हादसों को रोकेगी और आवारा मवेशियों के सींग पर ये पट्टी लगाई जा रही है और तमाम कोशिशें हैं कि हादसों को रोका जाएगा। चलिए बात करते हैं खरगोन जिले के बड़वा से लगे